भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। हमारे राष्ट्रपति में से एक रहे हैं वो। और अगर उनके हालात की बात करें तो उनकी हालात जिस तरीके से थी और अगर वो इस मुकाम तक पहुँचे तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर जो मेहनत करे, जो लगन से मेहनत करे, तो वो पहुँच सकता है उस हालात तक। जब वो छोटे थे तो अपने उनकी एक बुक है आपका भविष्य आपके हाथों में, जब वो छोटे थे तो जिक्र करते हैं घटना के कि चूंकि वो अपने भाइयों में सबसे बड़े थे तो वो पढ़ते भी थे और काम भी करते थे परिवार चलाने के लिए। तो उनकी माँ, उनके घर पे इतनी रोटियां होती थी कि गिन के रोटियां बनाई जाती थी किसी तरीके से काम चल जाए। तो वो उनकी माँ क्या करती थी, उन्हें एक रोटी ज़्यादा देती थी। क्यों? क्योंकि ये जो है काम और पढ़ाई दोनों कर रहे, इसलिए इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी उन लोगों की। और वो वहाँ से निकल के कहाँ तक, राष्ट्रपति तक पहुँच गए वो। तो उनका खुद का मानना है कि अगर आप किसी भी काम के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति है आपके अंदर, लगन है और आत्मविश्वास है, तो आप हर सिचुएशन को पा सकते हो। ये इतने ऐसी ऐसी जगहों से निकल के अगर इतने बड़े सिचुएशन पर पहुँचे हैं तो इन लोगों के विचार भी जानने ज़रूरी हैं कि कैसा सोचते हैं ये लोग, आखिर क्यों इतना आगे निकल जाते हैं, कौन सी ऐसी सोच होती है जो इनकी हेल्प करती है हर सिचुएशन से लड़ने में। बहुत ज़िंदगी इनकी कठिनाइयों से भरी रही है, जिसका कभी अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हम उनके विचार जानेंगे कि वो सोचते क्या हैं और अपने यहाँ के युवाओं के बारे में वो क्या सोचते हैं। वो कहते हैं, जीवन एक कठिन खेल है, आप एक व्यक्ति होने के नाते इसके ऊपर जीत के लिए जन्मसिद्ध अधिकार बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक मनुष्य हो और जीतना आपका अधिकार है, ये कहते हैं। दूसरा, तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। तुम अद्वितीय हो, जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो व महान जीवन के लिए दृढ़ रहो। तीसरा, सपने तभी सच होंगे जब आप सपने देखना शुरू करेंगे। चौथा, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। अगला है, इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगला, आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ में आता है। सातवां, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़कर चले जाते हैं। आठवां, युवाओं को मेरा संदेश है कि अलग तरीके से कुछ सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, अपना रास्ता खुद बनाएं, असंभव को हासिल करें। और नौवां सबसे शानदार है, लक्ष्य कभी छोटा नहीं बल्कि महान होना चाहिए। अगला, बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं लेकिन बाज बादलों को इग्नोर करके ऊपर उड़ते ही जाते हैं। मतलब ये कि हम सबके पास समस्याएं तो कॉमन है लेकिन इनसे निपटने के लिए एटीट्यूड अलग 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 है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो लेकिन अपनी छोटी छोटी आदतें बदल सकते हो और ये छोटी छोटी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो ये APJ अब्दुल कलाम अपने मिसाल मैन के कुछ विचार हैं। अच्छे लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा।